सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छी डील्स अपने मोबाइल पे पाते रहें और अपने पैसे बचाते रहें। हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलीजंस पर और हम फिर से वापस आके आपके एक बहुत ही एक्साइटिंग सेल की वीडियो लेके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल आ रही है। ये सेल 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी एंड इस सेल पे आपको सारी कैटेगरी पे बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट मिल जाएगा, स्पेशली मोबाइल फोन्स पे। एंड फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस मोबाइल फोन पे आपको क्या क्या ऑफर मिलने वाला है। फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जल्दी से एक और अपडेट दे देते हैं। फ्रेंड, अमेजोन की फैफोन फेस्ट सेल चल रही है जो कि 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी एंड वहां पे भी आपको मोबाइल फोन्स पे बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिल जाएंगे। फ्रेंड, हमने अमेजोन फैफोन फेस्ट सेल की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पोस्ट की हुई है, सो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मोबाइल फोन परचेस करना है तो आप पहले दोनों वीडियो को देखिए, दोनों जगह प्राइस कंपेयर कीजिए एंड तभी जहां पे आपको लोएस्ट प्राइस पे मोबाइल फोन मिले आप वहीं से परचेस करिए। चलिए फ्रेंड, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं ईयर एंड सेल पे फ्लिपकार्ट आपके लिए क्या क्या ऑफर लेके आया हुआ है। फ्रेंड, इस सेल पे आपको मोस्ट ऑफ द फोन्स में नो कॉस्ट ईएमआई, डेबिट कार्ड ईएमआई एंड एक्सचेंज ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा और साथ ही में अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मोस्ट ऑफ द फोन्स पे अप्लीकेबल होने वाला है। फ्रेंड, जो आईसीआईसीआई बैंक का ऑफर है इसकी ज्यादा डिटेल एंड टर्म एंड कंडीशन जल्दी हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएगी। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स, अगर हम इस सेल के मोबाइल ऑफर्स पे डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत से मोबाइल फोन्स पे बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, बट अगर हम कुछ मोबाइल फोन्स की बात करें तो वहाँ पे जस्ट एमआरपी पे डिस्काउंट मेंशन है। सो फ्रेंड, हम क्या करने वाले हैं ना, हम एमआरपी पे ना जाते हुए इन मोबाइल फोन्स के जो सेल के प्राइस है उनको करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे एंड आपको बताएंगे कि किस मोबाइल फोन में एक्चुअल पे डिस्काउंट है, किस मोबाइल फोन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है एंड वो जस्ट एमआरपी पे डिस्काउंट है जिसे हम एक्चुअल डिस्काउंट नहीं कहेंगे। सो फ्रेंड, जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस मोबाइल फोन पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी फोन्स के बारे पे। अगर आपको रियलमी का C2 परचेस करना है जो कि वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग बजट फोन है, इस पे आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 5999 का। और फ्रेंड, अगर हम रियलमी 3 की बात करें तो इस पे आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है और ये आपको मिल जाएगा 8999 का। और फ्रेंड, जो रियलमी का 3i है इस पे बहुत बढ़िया ऑफर आया हुआ है। अगर आपको रियलमी का जो 3i है इसका 32GB वेरिएंट परचेस करना है तो इस पे आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आपको 64GB वेरिएंट परचेस करना है तो इस पे आपको 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्रेंड, इस पे साथ पे प्रीपेड ऑफर भी आया हुआ है, अगर आप इसे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू परचेस करते हैं तो इस पे आपको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड, रियलमी 3i पे बहुत बढ़िया डील आई हुई है। और फ्रेंड, अगर हम Realme 5 Pro की बात करें जो कि वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग फोन है 2019 का, इस पे 2000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 11999 का। और फ्रेंड, अगर हम Realme X फोन की बात करें तो Realme X पे 2000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 14999 का और इस पे प्रीपेड वाला ऑफर भी आया हुआ है, अगर आप इसे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू परचेस करते हैं तो इस पे 1000 रुपीज का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्रेंड, जो Realme 5S पे कोई डिस्काउंट नहीं है और इसके प्राइस सेम होने वाले हैं एंड फ्रेंड, Realme XT पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है और इसके प्राइस भी सेम रहने वाले हैं। और फ्रेंड, अगर हम Realme X2 Pro की बात करें तो इस पे भी कोई डिस्काउंट नहीं आया हुआ है और इसके प्राइस भी सेम रहेंगे। फ्रेंड, अगर हम Xiaomi के फोन्स की बात करें तो Xiaomi के कुछ मोबाइल फोन्स पे बढ़िया ऑफर आया हुआ है, स्पेशली Note 7 Pro पे। अगर आपको Redmi का Note 7 Pro परचेस करना है तो आप इस पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट ले सकते हैं। जो फ्रेंड Realme का Note 7 Pro है ये अभी तक के लोएस्ट प्राइस पे आया हुआ है और इस सेल पे आपको मिल जाएगा 9999 का, जो कि बहुत बढ़िया डील होने वाली है। और फ्रेंड, अगर आपको Redmi का Note 7S परचेस करना है तो इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, इसके प्राइस सेम होने वाले हैं। Redmi के 7A पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है, इसके प्राइस भी सेम होने वाले हैं इस सेल पे। और फ्रेंड, अगर आपको Redmi का K20 Pro परचेस करना है तो इस पे 1000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 24999 का। जी हाँ फ्रेंड, Redmi के K20 Pro पे
थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल रहा है 24,999 का। और अमेजोन पे भी इसके प्राइस सेम है, वहां पे भी आपको इसी प्राइस पे मिलेगा। सो अगर आपके पास फ्रेंड एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आप इसे अमेजोन से परचेज कीजिए, वो क्योंकि वहां पे आपको 750 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। और अगर आपके पास ऐसे ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर हम वीवो के फोन्स पे की बात करें तो वीवो के फोन्स पे भी बहुत बड़ी ऑफर आया हुआ है। अगर आप वीवो का Z1 Pro परचेज करते हैं 128 GB, तो उस पर 4,000 रुपीज का डिस्काउंट है और इस सेल पे आपको मिल जाएगा 11,999 का, जो कि अभी तक के इसके लोवेस्ट प्राइस है और इसे हम बहुत बढ़िया डील कहेंगे। और फ्रेंड अगर आप वीवो Z1X की बात करें तो इस पर 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 14,999 का। और फ्रेंड जो वीवो का V15 है इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, बट इसे अगर आप एक्सचेंज ऑफर के थ्रू परचेज करते हैं तो इस पे आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्रेंड अगर हम मोटोरोला एंड लिनोवो के फोन्स की बात करते हैं तो इन पे बहुत बड़े ऑफर आए हुए हैं। अगर आपको मोटो का E6S परचेज करना है तो इस पे 2,000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 5,999 का। और फ्रेंड अगर आपको Moto One XN परचेज करना है तो इस पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट है, इस पे आपको टोटल 4,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। और फ्रेंड अगर आपको मोटो का वन विजन परचेज करना है तो इस पे आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। और फ्रेंड अगर आप लिनोवो का K10 Plus परचेज करते हैं तो इस पे आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है और ये आपको मिल जाएगा 8,999 का, जो कि बहुत बढ़िया डील है। और फ्रेंड अगर हम सैमसंग के फोन्स की बात करें तो सैमसंग के कुछ मोबाइल फोन्स पे बहुत बड़े ऑफर आया है, स्पेशली जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन है। अगर आपको सैमसंग का S9 परचेज करना है तो उस पर 2,000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 27,999 का। और फ्रेंड अगर सैमसंग का A30s परचेज करते हैं तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, इसकी प्राइस सेम होने वाले हैं, बट अगर इसे आप एक्सचेंज ऑफर के थ्रू परचेज करेंगे तो इस पर आपको 1,500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्रेंड सैमसंग के S9 Plus पे बहुत बड़ी ऑफर आया हुआ है, इस पर आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस सेल पे सैमसंग का S9 Plus परचेज करते हैं तो उस पर अराउंड 8,000 का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 29,999 का। जी हाँ फ्रेंड, सैमसंग के S9 Plus पे इस बार 8,000 रुपीज का डिस्काउंट आया हुआ है और ये फ्लैगशिप फोन के लिए बहुत बढ़िया डील होने वाली है। और साथ में फ्रेंड इस पे आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल जाएगी। और फ्रेंड अगर हम फ्रेंड सैमसंग के A50 की बात करें तो इस पे भी बढ़िया डिस्काउंट आया हुआ है और इस पे आपको 4,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 14,999 का। और फ्रेंड अगर हम ओप्पो के फोन्स की बात करते हैं तो ओप्पो F11 Pro पे भी बढ़िया डिस्काउंट आया हुआ है, इस पे 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 16,999 का। और फ्रेंड अगर हम ओप्पो A7 की बात करें तो इस पे 2,000 रुपीज का डिस्काउंट आया हुआ है और ये आपको मिल जाएगा 9,999 का। और फ्रेंड अगर हम ओप्पो F11 की बात करें तो इस पे दोबारा से बहुत बढ़िया डिस्काउंट आया हुआ है और ये आपको मिलेगा 12,999 का, मीन्स इस पे अराउंड 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप ओप्पो का F11 परचेज करते हैं 128 GB वाला, तो इस पे आपको अराउंड 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है सेल पे। एंड फ्रेंड हम इस सेल पे फ्लैगशिप फोन्स की बात करें तो उनपे भी बहुत बड़े डिस्काउंट आया हुआ है। अगर आपको आईफोन का XS परचेज करना है तो आपको मिल जाएगा 59,999 का। जी हाँ फ्रेंड, आईफोन XS पे 5,000 रुपीज का डिस्काउंट आया हुआ है और ये आपको मिल जाएगा 59,919 का। और साथ ही में आपको इस पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और फ्रेंड जो गूगल का फ्लैगशिप फोन है Pixel 3 XL, इस पे भी बहुत बड़ी ऑफर आया हुआ है, इस पे आपको 4,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है और ये आपको मिल जाएगा 30,999 का। और फ्रेंड अगर आपको iPhone 7 परचेज करना है तो इस पे 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है और आपको iPhone 7 मिल जाएगा 24,999 का। और साथ में फ्रेंड अगर आपको iPhone 8 भी परचेज करना है तो उस पे भी 3,000 का डिस्काउंट है। सो फ्रेंड इस बार iPhone 7 एंड iPhone 8 दोनों पे 3,000 रुपीज का डिस्काउंट आया हुआ है। और फ्रेंड आपको अगर Pixel 3 परचेज करना है तो उस पे 16,000 रुपीज का डिस्काउंट है। जी हाँ फ्रेंड, जो गूगल Pixel 3 है उस पे आपको टोटल मिल रहा है 16,000 रुपीज का डिस्काउंट। और फ्रेंड अगर हम सैमसंग के A70s की परचेज कर
की बात करें तो सैमसंग के A70s पे कोई डिस्काउंट नहीं आया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे एक्सचेंज ऑफर के थ्रू परचेज करते हैं तो इस पर आपको 25 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्रेंड जो आईफोन 11 सीरीज के फोन है इन पे वैसे तो कोई डिस्काउंट नहीं आया हुआ है, लेकिन इस पे HDFC बैंक वाला ऑफर है। सो अगर आप आईफोन 11 सीरीज के कोई भी फोन को HDFC बैंक के कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं तो उस पर आपको 7,000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल जाता है। फ्रेंड्स अगर हम ऑनर्स के फोन की बात करते हैं तो इन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे जो आपको फ्लिपकार्ट की साइट पे डिस्काउंट दिख रहा है जैसे MRP पे डिस्काउंट है, अगर हम एक्चुअल पे डिस्काउंट की बात करें तो ऑनर्स के फोन पे यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं आया हुआ है। और फ्रेंड अगर हम नोकिया के फोन की बात करें तो नोकिया का जो 7.2 है इस पे 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 16,599 का। और फ्रेंड अगर हम नोकिया 6.1 प्लस या नोकिया 2.2 की बात करें तो इस पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है और इनके प्राइस भी सेम होने वाले हैं जो इसके करंट प्राइस है। और फिर हम अगर आसूस के फोन्स की बात करें तो आसूस मैक्स M1 पे कोई डिस्काउंट नहीं है, इसके प्राइस भी सेम होने वाले हैं। अगर आपको आसूस का मैक्स प्रो M1 परचेज करना है तो इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि मिलेगा आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको आसूस का मैक्स प्रो 1 परचेज करना है तो इस पर 500 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिल जाएगा 7,999 का। और फ्रेंड अगर आप आसूस का मैक्स M2 परचेज करते हैं तो इस पर आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 8,499 का। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको आसूस का मैक्स टू अगर आप आपको आसूस का मैक्स M2 परचेज करना है तो उस पर 500 रुपीज का डिस्काउंट है और ये आपको मिलेगा इस सेल पे 8,499 का। और फ्रेंड अगर हम अगर आसूस 5Z की बात करें तो इस पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट आया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, जो आसूस का 5Z है इस पे 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है सेल पे और ये आपको मिल जाएगा 15,999 का। सो फ्रेंड ये थे फ्लिपकार्ट ईयर एंड सेल के मेन मेन मोबाइल ऑफर्स। अगर आपको कोई दूसरा मोबाइल फोन परचेज करना है और जिसके प्राइस या ऑफर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं तो आप क्या करिए, आप जस्ट कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर दीजिए और हम आपको बता देंगे कि उस मोबाइल फोन पे कोई भी ऑफर है या नहीं है। और फ्रेंड अगर आपको कोई दूसरी भी हेल्प चाहिए कोई भी मोबाइल फोन को परचेज करने से रिलेटेड या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करने से रिलेटेड तो जैसा आप हमारे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर दीजिए, हम जितने जल्दी से जल्दी होगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड फ्रेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले दिनों में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और जैसे हम कोई नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।